और शिरडी में साईं बाबा मंदिर में 4 दिनों तक चलने वाले दशहरा उत्सव का बुधवार से शुभारंभ हो गया। इस मौके पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। साईं की नगरी में उमड़ा भक्तों का सैलाब। साईं भक्तों के लिए दशहरा है खास, बाबा के समाधिस्थ होने का दिन। 1918 में दशहरा के दिन ही बाबा ने अपने पार्थिव शरीर का त्याग किया था, इसलिए साईं भक्तों के लिए दशहरा का खास महत्व है। इस मौके पर हर साल शिरडी के साईं मंदिर में 4 दिनों का उत्सव मनाया जाता है। बुधवार को तड़के ही दशहरा उत्सव का शुभारंभ हुआ। काकड़ आरती के साथ ही दशहरा उत्सव शुरू हो गया। साईं बाबा की प्रतिमा के साथ एक विशाल जुलूस निकाला गया, जिसमें मंदिर के पुजारियों के साथ ही ट्रस्टी और हजारों की संख्या में भक्त भी शामिल हुए। काकड़ आरती के बाद बाबा का फोटो, बाबा का वीणा और सहिष्णु केंद्र ग्रंथ का जुलूस गुरुस्थान मंदिर से लेकर द्वारका में मंदिर हो गया। मंदिर में श्रद्धा पूजन होकर अखंडित पारायण शुरू हो गया। अखंडित पारायण शुरू होकर वापस मंदिर में आने के बाद बाबा का मंगल स्नान हुआ। श्री माजी पंडरपुर आरती होकर विश्वस्व के द्वारा बाबा की चरण कमलों की पूजा। बाबा के प्रति भक्तों में अगाध श्रद्धा है। हर साल की तरह इस साल भी दशहरा उत्सव पर भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। ऐसा लग रहा है कि जैसे शिरडी में इन दिनों भक्ति की गंगा बह रही है, जिसमें डुबकी लगाकर भक्तगण पवित्र और धन्य हो रहे हैं। यही दशहरा मनाने के लिए आए हैं बाबा के साथ, बाबा के उत्सव में भाग लेने। छोटी सी बच्ची को लेकर आए, 6 महीने की बच्ची है, लावण्या गायकवाड़ हुई थी, उसका यही मुंडन संस्कार के लाए हैं बाबा के दरबार में, और 3 दिन के लिए हम लोग स्पेशल आए हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत बढ़िया, बाबा का आशीर्वाद है। भक्तों की भीड़ को देखते हुए शिरडी में जहां बड़े पैमाने पर उनके रहने और दर्शन की व्यवस्था की गई है, वहीं उनकी सुरक्षा का भी पुख्ता इंतजाम किया गया है। पूरे देश और विदेश के बाबा के जो भक्त यहाँ आ रहे हैं, उनके रहने का और उनका पूरा प्रबंध शिरडी संस्थान ने यहाँ पे किया है। सिक्योरिटी की भी प्रबंध महाराष्ट्र सरकार के गृह डिपार्टमेंट यानी होम डिपार्टमेंट और हमारे सहयोग और संस्थान का सुरक्षा विभाग की तरफ से सुरक्षा की बंदोबस्त बड़ी अच्छी तरह से किया गया है। 4 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव में देश ही नहीं विदेशों से भी साईं भक्त बाबा के दर्शन करने और आशीर्वाद लेने आ रहे हैं। अनुमान है कि इन 4 दिनों में करीब 10 लाख भक्त साईं की नगरी में आएंगे। कृष्णकांत रोकड़े, TV9 शिरडी।